किसान भाइयों बहनों नमस्कार। दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निबोरिया। कृषि दर्शन कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां आपको देते हैं। खेती में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, हमारे किसान भाई इन्हें अपना रहे हैं और खेती को आधुनिक बना रहे हैं। और इस बार हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीन सेगमेंट, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे कि जल का कितना महत्व है कृषि के क्षेत्र में। हमारे किसान भाई खेती बाड़ी तो करते ही हैं, लेकिन कई जगहों पर जल की उपलब्धता कम होती है और ऐसे क्षेत्रों में यदि खेती बाड़ी आधुनिक और नए तरीके से करनी हो, बेहतर उत्पादन लेना हो, तो जल का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको लेकर एक मेले का आयोजन किया गया जो उजवा, जी हाँ, उजवा कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में स्थित है, वहाँ आयोजित किया गया और इसमें जानकारी दी गई कि कृषि में जल का क्या महत्व है। तो आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जल प्रकृति की वो अनोखी देन है जिसके बिना संपूर्ण जगत के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल की मात्रा में भारी गिरावट चिंतन का विषय होने के साथ साथ इसके प्रति जागरूक होना भी बहुत जरूरी हो गया है। सृष्टि द्वारा निर्मित वो पांच तत्व जिनसे समस्त जीवन व्याप्त है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, क्या हम लोगों ने कभी कल्पना की है कि अगर इनमें से एक भी तत्व को हटा दिया जाए तब क्या होगा? ये सोचने मात्र से ही रूह कांप जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं, जानते सब है, फिर भी सिर्फ अपने छोटे से लालच, नादानी और नासमझी में हम जिस तरह जल की बर्बादी कर रहे हैं वे बहुत ही खतरनाक है। अब सवाल उठता है कि हम लोग कब जागरूक होंगे, जल को कैसे संरक्षित करेंगे और इसके बूंद बूंद के महत्व को कब समझेंगे। इसी दिशा में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह का एक प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र उजवा द्वारा किसान मेला आयोजित कर किया गया। इस सम्मेलन में दिल्ली सरकार के कृषि विकास आयुक्त मधु व्यास, दिल्ली सरकार के अधिकारी सौम्य शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के निदेशक डॉक्टर पी के गुप्ता एवं किसानों तथा बच्चों ने भाग लिया। जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मधु व्यास ने कहा, यहाँ पे किसान मेला जो आयोजित किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा, ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। इसमें जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि जो जल है ये एक सीमित सोर्स है, बहुत बहुमूल्य सोर्स है, इसकी कम से कम बर्बादी होनी चाहिए और इसका हम कैसे उपयोग करें जिससे ये इसका संरक्षण भी हो और किसान को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, ये इसकी सेंट्रल मैसेज है। और किसान मेला जो पार्टनरशिप में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार और केवी के उजवा में आज आयोजित हुआ, उसमें हमने जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताया, भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताया। विशेष तौर पर मैं दो स्कीम्स पर फोकस करना चाहूँगा। दिल्ली गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है मुख्यमंत्री किसान सोलर आय बढ़ोतरी योजना। इस योजना के तहत किसानों की जो खेती की भूमि है उस पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे एग्रीगेटर के द्वारा और उससे किसानों की जो आय है वो सप्लीमेंट होगी। जो एग्रीगेटर है वो शुरू में 1 लाख पर एकड़ के हिसाब से किसान को उसका शेयर देगा और जो बिजली जो सोलर फार्म्स प्रोड्यूस करेंगे वो ग्रिड के द्वारा डिस्कॉम्स और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो खरीद लेंगे। इसकी जो कैबिनेट अप्रूवल है वो सन 2018 में पिछले साल मिला था। DERC ने 31 मई 2019 को जो इसकी नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग गाइडलाइंस हैं वो नोटिफाई कर दी और ये जो स्कीम है
इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सहयोग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के अधिकारी सौम्य शर्मा ने कहा कि सरकार के प्रयास एवं जल के महत्व को उसके दोहन के बारे में किसानों को कैसे जागरूक किया जाए। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के साथ हमने दूसरा मेजर किसान मेला ऑर्गेनाइज करा है अंडर जल शक्ति अभियान। ये एक बहुत खुशी की बात है कि जल शक्ति अभियान के अंडर हमारा जो जिला है साउथ वेस्ट दिल्ली, इसकी पूरे देश में थर्ड रैंक है और हमारा जो जल शक्ति अभियान का प्रोग्रेस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। साथ ही साथ इस मेले के सपोर्ट के थ्रू हम फार्मर्स को कुछ दो और स्कीम्स के बारे में बताएं आज हमने बताया है। एक है मुख्यमंत्री सोलर आय बढ़ोतरी योजना और दूसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये दोनों ही योजना सारे किसानों के लिए बहुत लाभदार रहेंगी और इसलिए यहाँ पे हमने किसान आज बहुत सारे जैसे आपने देखा बहुत सारे किसान आए हैं तो हमने इनको बताया है कि ये जो योजना है इनको मैक्सिमम नंबर्स में आके साइन अप करना चाहिए। मैं ब्रीफ बताती हूँ। सोलर योजना में ऐसा है कि किसान के लैंड पे 3.5 मीटर की ऊंचाई पर सोलर पैनल्स लगेंगे, नीचे वो खेती कर सकते हैं, उनका ट्रैक्टर पास हो सकता है और इस अरेंजमेंट के लिए उनको हर साल का 1,00,000 रुपये पर एकड़ मिलेगा और ये 6% पर रेट की उस पर बढ़ेगा हर साल। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना रहेगी। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्म्स इसको दिल्ली में इसके लिए साइन अप करें। और जो दूसरी योजना है वो है PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं और फार्मर्स को सब्सिडी मिलेगी अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत सारे किसान आए और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के सपोर्ट के साथ हमें मेला कर पाए। डॉक्टर PK गुप्ता ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र उजवा जल संरक्षण के लिए किसानों को किस तरह से जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार का नया जल शक्ति मंत्रालय ने इस बार जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान का परियोजना पूरे भारतवर्ष में चलाया है। इस परियोजना का तहत जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली में स्थित है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है। इस कृषि विज्ञान के द्वारा और दिल्ली सरकार के माध्यम से तत्वाधान में हम लोगों ने काफ़ी किसान मेला गोष्ठियाँ किया है, प्रचार प्रसार किया है, स्कूल्स में काफ़ी कॉम्पिटिशन भी करवाए हैं और ये जल शक्ति अभियान का यह अंतिम किसान मेला है। और इस किसान मेला के तहत हम लोगों ने लगभग 1,000 पौधों का वृक्षारोपण भी किया है। वृक्षारोपण ही नहीं, हम लोगों ने किसानों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और आज के किसान मेले में लगभग 1,000 किसानों ने अपनी भागीदारी दी। इस किसान का मेले का उद्घाटन श्री मधु व्यास जी जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से विकास आयुक्त हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने की और इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें स्टॉल भी लगाए गए 20 से 25 और इसका आशा करते हैं कि इस जल शक्ति अभियान का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र ने जो प्रचार प्रसार का काम किया है दिल्ली के लिए और भारत सरकार के वासियों के लिए अच्छा रहेगा ताकि अधिक से अधिक किसान जल का उपयोग कर सके, उपयोगिता बढ़ा सके और कम से कम नुकसान कर सके। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि हम लोग लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे जल के सही उपयोग से खेती की जाए। इस मेले का उद्देश्य हम जल को कैसे बचा सकते हैं और जल का इस्तेमाल खेती में हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कंपनियों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि हम जल का संचयन करके कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान से कृषि विशेषज्ञों द्वारा जल की नवीनतम तकनीकी जो कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा यहाँ पे विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा कैसे हम जल के इस्तेमाल को कम से कम करके उसको, क्योंकि जैसा कि आपको विदित हो कि जल के जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है इसके द्वारा 70% पानी को हम बचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन पद्धतियों को अपना के और अधिक जहाँ पर जल हो उनको हम वाटर हार्वेस्ट या एक जगह पर संग्रहण करके उसको हम ऑफ सीजन में जब हमारा बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है तो उसको हम कृषि के विभिन्न जो भी जल के स्रोत हैं, विभिन्न यंत्र हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के भी हमारे स्प्रिंकलर के माध्यम से, बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से, माइक्रो स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से अच्छे उत्पादन ले सकते हैं।
किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कृषि के क्षेत्र में जल के महत्व को लेकर एक रिपोर्ट देखी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि आप सेब की सफल खेती कैसे कर सकते हैं। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। और आज हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से जिनका नाम है योगेश्वर सिंह और ये रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के रोहडू के, और ये सेब की खेती करके एक मिसाल बन चुके हैं जो दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। देखा जाए तो खेती बाड़ी को पहले कम पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय माना जाता था, लेकिन आज पढ़े लिखे युवा भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं और जिसका उदाहरण है योगेश्वर सिंह। तो योगेश्वर सिंह सेब की सफल खेती कैसे कर रहे हैं, आइए जानकारी लेते हैं इन्हीं से। हमारे देश में शिक्षा हासिल करने के बाद लोग आमतौर पर नौकरी की तलाश में लग जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि शिक्षा का मतलब एक अदद नौकरी मान लिया गया है। अच्छी शिक्षा के बाद खेती करने का चलन आमतौर पर हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी कुछ लोग बहती धारा के विपरीत तैरने की हिम्मत कर लेते हैं। ऐसे ही हौसलामंद लोग समाज में बदलाव लाने का दम भी रखते हैं। रोहडू क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दलगांव में रहने वाले योगेश्वर सिंह ने विज्ञान से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। स्नातक करने के बाद जब वे घर लौटे तो उनके मन में अचानक खेती करने का ख्याल आ गया। परिवार के पास पुश्तैनी जमीन थी और उस पर सेब का पुराना बगीचा लगा था। बाग इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब उस पर फल भी नहीं लग पाते थे। योगेश्वर इसी उजड़े चमन को फिर से गुलजार करने में लग गए। मेरे पास जो है ये सेब के जो पौधे थे ये 1960 के दशक के लगे हुए हैं और बहुत पुराने हैं, और ये इनमें ऑफ वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसको जो है मैंने फिर इसमें फसल भी नहीं लगती थी, मैं जो है इसको फसल लगाने के लिए जो मैं बागवानी विशेषज्ञों से मिला, विभाग से मिला, केवीके के इंचार्ज से मिला, केवीके के विशेषज्ञों से मिला, फिर उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया कि इसमें आप जो है पॉलिनाइजर वैरायटियाँ लगाओ, फिर पॉलिनाइजर वैरायटियाँ लगाई, फिर इसमें ये जो ऑफ वैरायटियाँ थी, फिर इन्होंने जो है ये कहा कि इनको जो है आप टॉप वर्क करो, और इसको टॉप वर्क करने के लिए जो है मैं इनके संपर्क में आया। फिर इन्होंने मुझे हाई कलर स्ट्रेन की वैरायटियाँ दी और कलमें दी, फिर कलमों को मैं इनमें टॉप वर्क किया, फिर जो इससे जो मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम मिले।
आज के समय में जिस तरह खेती के तरीके बदल रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक बदलाव आ रहे हैं, उसे देखते हुए किसान का शिक्षित होना एक सकारात्मक बात है। योगेश्वर विज्ञान के छात्र रहे हैं, यही वजह है कि बागवानी में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना और नए नए प्रयोग करना उनके लिए आसान रहा। वे कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं, वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करते रहते हैं और अपनी मेहनत का फल पा रहे हैं। अब उनका इरादा सेब की व्यवसायिक खेती का है। हम पहले ये भी सोच रहे थे कि भाई जैसे हम घर में आए तो रहना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन जब से इनसे मिला, मैं बागवानी विशेषज्ञों से मिला, इनकी राय से जो है सब कुछ, इनमें एक समस्या ये भी आ जाती है कई बार जो है पतझड़ लग जाता है, तो इसके लिए भी जो है हम इनसे ही सलाह मशविरा करते हैं, जो ये स्प्रे शेड्यूल फॉलो करवाते हैं, फिर हम जो है वही करते हैं। नहीं तो हमारे जो है वो सारे पत्ते गिर जाते थे और फ्रूट भी हमारा ख़राब हो जाता था। तो उसके बाद जो है अब हमारे को ये भी कोई समस्या नहीं आ रही है। अब हमारा जो है बहुत ही अच्छा, अब इससे इनकम भी है और हमारा ये इनकम सोर्स भी है, और बेरोज़गारी के अगर लिहाज से देखें तो इससे जो है दूसरों को भी रोज़गार दिया जाता है। बागवानी वैज्ञानिकों से संपर्क का योगेश्वर को भरपूर लाभ मिला है। बाग में कोई भी समस्या हो तुरंत वैज्ञानिकों से सलाह लेते हैं। इसके अलावा कोई नई किस्म लगानी हो या नई तकनीक आजमानी हो वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण ले लेते हैं। हमारे पास बहुत ही एक ये अच्छा सोर्सेज है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो इनके कॉन्टेक्ट में आने से इन्होंने जो है हमें प्रशिक्षण शिविर में भी ये बुलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण के साथ साथ जो ये एक्सपोजर भी देते हैं। अभी हाल ही में मैं जो है श्रीनगर भी इन्हीं के माध्यम से गया था, वहाँ मैंने जो है अब एक हाई डेंसिटी का एक ऑर्चर्ड देखा, वहाँ के सीथ एक वहाँ पर एक संस्थान है एक वहाँ पर, तो वहाँ हाई डेंसिटी का बहुत बड़ा बगीचा लगा है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि सोच क्या, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट की है विशेषज्ञों से कि आप भी जरा हमें उसके बारे में थोड़ा सा सहायता प्रदान करें। व्यवसायिक खेती के साथ साथ योगेश्वर सघन बागवानी करने का इरादा रखते हैं। इसके लिए वो कश्मीर का दौरा भी कर चुके हैं। सेब के अलावा योगेश्वर के खेतों में चेरी, नाशपाती और आड़ू के भी बाग लगे हैं। केचुआ खाद खुद तैयार करते हैं और उसी का उपयोग अपने बागों में करते हैं। जल संरक्षण के लिए ये टपक सिंचाई पद्धति अपनाते हैं। ये टपक सिंचाई की यूनिट बागवानी विभाग की ओर से मिली है। बागवानी विभाग द्वारा जो है ड्रिप इरिगेशन का भी हमें जो है इसका लाभ प्राप्त हुआ है। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ जो है एक टैंक भी विभाग ने केवीके के द्वारा यहाँ पर हमें मिला हुआ है। टैंक भी यहीं हमारे पास इसी ऑर्चर्ड में है, टैंक भी है बना हुआ, पॉलीलाइन टैंक है ये। और इसी टॉप वर्क के इसमें जो है, जो जब मैंने टॉप वर्क किया था तो वर्ष 2011 में हमारे सीएम साहब धूमल जी ने जो है मुझे कृषक प्रेरणा स्रोत पुरस्कार भी दिया था 2011 में। योगेश्वर बागों की नर्सरी का कारोबार भी करते हैं। बहुत से किसान इनकी नर्सरी में तैयार पौधे खरीद कर ले जाते हैं और नए नए बाग लगाते हैं। इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए ही 2011 में राज्य सरकार की ओर से उन्हें कृषक प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खुद अपने हाथों से दिया था। तो अभी आपने जानकारी ली योगेश्वर सिंह से कि किस प्रकार से सेब की सफल खेती की जाए। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया की, और आज हम बात करेंगे ऊंट पालन को लेकर। वैसे देखा जाए तो ऊंट पालन को लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं, आजकल लोग इसमें कम रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऊंटनी के दूध में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं, और हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ ऊंट पालन करें तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे करें आप सफल ऊंट पालन, आइए जानकारी लेते हैं। रेगिस्तानी जहाज ऊंट, जो कई दशकों से परिवहन और सामान ढोने के काम आता था, और आज वही ऊंट दुधारू पशु के रूप में बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है। ऊंटनी का दूध औषधीय गुणों से लबरेज है। कई देशों में ऊंटनी का दूध पिया जाता है, और सिर्फ पिया ही नहीं जाता, औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ऊंटनी के दूध के चमत्कारी फायदों की वजह से ही इसे सफेद सोना कहा जाता है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में ऊंटनी के दूध पर किए गए अनुसंधान के मुताबिक ये दूध कई बीमारियों के लिए रामबाण सिद्ध हो चुका है। वर्ष 2017 में ऊंटनी के दूध को FSSAI द्वारा गहरी जाँच पड़ताल और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद ह्यूमन फूड की श्रेणी में शामिल कर लिया है। एक्चुअली ऊँटनी के दूध को सबसे पहले हमने डायबिटीज़ में ट्राई किया, और मेडिकल कॉलेज के साथ, मेडिकल के जो मेडिसिन के प्रोफेसर्स हैं उनके साथ हमने रियल ट्रायल किया। उसमें हमें पाया कि वास्तव में ऊँटनी का दूध जिस ग्रुप को दिया गया था उसमें रिकवरी और मेनली इंसुलिन की जो डोज होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसी के साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट उसी मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ किया कि जो टीबी के मरीज़ होते हैं उसमें एक ग्रुप को हमने ऊँटनी का दूध पिलाया, उसके जिंक की मात्रा और कई चीज़ें ऐसी होती है कि उनमें जो रिकवरी हुई वो दूसरे पेशेंट्स जो ऊँटनी का दूध नहीं पी रहे थे उनसे उससे काफ़ी फास्ट रिकवरी हुई, और उनके लंग्स और एक्सरे पिक्चर और पूरा ब्लड प्रोफाइल हमने निकाल के एस्टेब्लिश किया कि ये एक न्यूट्रिशनल एडजुवेंट बहुत अच्छा है टीबी में भी। ऊँटनी के दूध के कई बेमिसाल फायदे हैं, ये मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ऊंटनी का दूध मधुमेह के शिकार लोगों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। डॉक्टर पाटिल बताते हैं कि कई शोधों से ये तथ्य सामने आया है कि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में हमने ऑटिज्म पे, जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, खासतौर से स्वलीनता बोलते हैं ऑटिज्म को, उसके जो बच्चे होते हैं उनमें भी जिस ग्रुप को हमने ऊँटनी का दूध पिलाया उसमें दूसरे बच्चों की तुलना में हमें रिकवरी बहुत जल्दी मिली, और ये काफ़ी हद तक पॉपुलर हो रहा है। तो इस तरह कई नई चीज़ें जुड़ी है, और आदमी के और भी कई रोगों में इसको, जैसे हार्ट डिजीज़ में इसको अच्छा माना गया है। इवन इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती है उसको लेके हम डायग्नोस्टिक्स बना रहे हैं, और बार्क के साथ हमने एक थायरॉयड कैंसर का डिटेक्शन किट बनाया है जो कैंसर डिटेक्ट करता है। ऊंट के संपूर्ण आहार की बात करें तो अन्य पशु की अपेक्षा कम है। ऊंट को अपने भार के मुताबिक 1-1.5% आहार चाहिए होता है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो ना सिर्फ तेज गर्मी बल्कि ज्यादा ठंड में भी रह सकता है। इसके रहने के लिए किसी खास इंतजाम की जरूरत नहीं होती। ऊंटनी का दूध ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। ऊंट कम देखरेख वाला पशु है और इसके दूध के फायदे तो आज पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन फिर भी इसकी तादाद में आती गिरावट बहुत बड़े चिंतन का विषय है। किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही।
यदि आप अपने सवाल या सुझाव हमें भेजना चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dk@gmail.com। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।